हाई एवरी वन दिस इज़ वोनेिका आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कादावर रिजर्व फॉरेस्ट का ये एक सेंचुरी बनने वाला है कौन से एनिमल के लिए सिलेंडर लॉरस के लिए ये एनिमल क्या है इसकी क्या विशेषता है ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पर है इसको भी हम डिस्कस करेंगे अगर देखिए आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टू कैदर वी कैन मेक अफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखो एक प्रपोजल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया है कि कदावर रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसको और ये कहाँ है करूर डिस्ट्रिक्ट में ये कहाँ है अगर आपको मालूम है तो आप मुझे पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइए आगे तो आपको पता चल ही जाएगा इसको सेंचुरी घोषित कर दिया कर दिया जाए सिलेंडर लॉरेस के लिए ये पिक्चर में जो आप एनिमल देख रहे हैं इसी का नाम है कदावर रिजर्व फॉरेस्ट सेट टू बिकम सेंचुरी फॉर स्लेंडर लॉरिस ये देखिए हिंदू में भी ये खबर आपकी छपी है अब देखिए ये जगह है तमिलनाडु में ये इंडिया का मैप यहाँ पे आपको स्टेट तमिलनाडु दिखेगी अब तमिलनाडु के मैप को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आएगा जिसकी बात की जा रही है अब इस एनिमल की बात करते हैं बहुत ही प्यारा सा एनिमल है स्लेंडर लॉरिस ये जीनस कौन सा है इसका लॉरिस नेटिव है ये इंडिया और श्रीलंका का सिलेंडर लॉरस जो भी हैं ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम पेड़ों पे बिताते हैं ट्रैवल करते हैं जिस तरह से मंकीज रहते हैं ब्रांच टू ब्रांच स्लो और प्रोसाइज मूवमेंट्स के साथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं स्क्रब फॉरेस्ट में सेमी डेसीट फॉरेस्ट और स्वैम्प्स में ये प्राइमेट्स हैं जिस तरह से आपके मंकीज़ हैं उसी तरह से ये भी प्राइमेट्स हैं लाइफ स्पैन इनका 15 इयर्स का होता है एंड दे आर नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल यानी ये रात को एक्टिव होते हैं जो एनिमल्स दिन को एक्टिव होते हैं उनको डायरनल कहा जाता है और जो रात को होते हैं उनको नॉक्टर्नल कहा जाता है और ये खाने में क्या खाते हैं इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं रेप्टाइल्स पे प्लांट की जो शूट्स हैं और फ्रूट्स खाते हैं अब दो स्पीशीज हैं सिलेंडर लॉरिस की और जो मेंबर है जीनस लॉरिस का एक तो आपका रेड सिलेंडर लॉरिस आ गया दूसरा आपका द ग्रे सिलेंडर लॉरिस आ गया तो दो ही इसके स्पीशीज़ हैं अब मेजरली अगर आप बात करें मालाबार ग्रे सिलेंडर लॉरिस की अगर बात करें एक स्मॉल नॉक्टर्नल प्राइमेट है जो कि पेड़ों पर पे रहता है ओके तो लिव इन दे लिव इन ट्रीज लाइफ स्पैन मैंने आपको 15 ईयर्स बताया 15 टू 16 ईयर्स आप लाइफ स्पैन मान लीजिए और इनकी खासियत देखिए इनकी टेल नहीं होती इस एनिमल की पूंछ जो है वो नहीं है 180 ग्राम इसका एवरेज वेट है 5.5 मंथ्स एवरेज जस्टेशन पीरियड है इसका कि जिसके बाद इनका बच्चा पैदा हो जाता है 5.5 मंथ्स उसके बाद इनको इनका नाम एक और है कादुप्पा कन्नड़ कन्नड़ में इसको कादुप्पा कहा जाता है जिसका मतलब है बेबी ऑफ द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्टेटस देखेंगे तो नियर थ्रेटेड है आई इन रेड लिस्ट में अपोजेबल थम विच द ग्रास ब्रांचेस जिस तरह से ह्यूमंस के भी अपोजेबल थम्स रहते हैं इनके भी अपोजेबल थम्स हैं ताकि इनको पकड़ने में ब्रांच टू ब्रांच जाने में आसानी रहती है इंसेक्टिव वॉरस्ट है इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं और सोते हैं जब ये ग्रुप में सोते हैं एक इनका इस तरह का पैटर्न है कि स्लीपिंग बॉल बनाते हैं और ये मैप का जो एरिया आप देखेंगे ऑलमोस्ट इस एरिया में ये पाए जाते हैं जहाँ पे भी हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में अब देखिए ये जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ उसमें से सिक्स थाउजेंड थ्री ट्वेंटी सेवन हैेक्टेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट करूर डिस्ट्रिक्ट जो है सिक्स थाउजेंड हेक्टेयर्स जो है कादावर तालुक के बीच में ओके okay, उस एरिया की उस फॉरेस्ट की बात की जा रही है द इंटायर फॉरेस्ट अंदर तालुक इस एरिया का जितना भी फॉरेस्ट है उसको क्लासिफाई ऑलरेडी करके रखा है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट है और इसको एक हॉटस्पॉट माना जाता है स्टेट का ऑलरेडी हॉटस्पॉट है फॉर सिलेंडर लॉरिस् और अगर आप जो सेंसस की बात करेंगे टू थाउजेंड की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया था इनका पॉपुलेशन था अराउंड थर्टी फाइव सिलेंडर लॉरिस और करंट पॉपुलेशन इनका है फाइव थाउजेंड ओके तो इंक्रीज हुआ है इनका पॉपुलेशन अब जो करूर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स हैं या रेंजर्स हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स वो ये स्टेप्स लेना चाहते हैं कि इसको हम एक आ, सिलेंडर लॉरिस् पॉपुलेशन के लिए इसको सेंचुरी बना दें स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रपोजल उन्होंने किया है क्योंकि सिलेंडर लॉरिस जो है धीरे धीरे इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है हैबिटेट खत्म हो रहा है और अगर हैबिटेट खत्म होगा तो इनकी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो एकदम से ये नीचे भी आ जाएगी जिससे इनका आने वाले सालों में पॉपुलेशन कम हो जाएगा अब ये प्राइमेट है मैमल है याद रखिए और इस मैमल को इंडिया में स्कड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत प्रोटेक्शन मिल रखा है इट कवर्स अब जो स्कीड्यूल वन है इसमें हमारे यूजुअली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कवर किया जाता है जिनको रिग्रेस प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ पे इनकी किलिंग पोचिंग ट्रेडिंग सब होती है और इसके लिए अगर कोई इस रूल को तोड़ेगा इनको हंट करेगा उसको पेनल्टी भी होगी पनिशमेंट दी जाएगी और यहाँ पर आप देखिए लाइबल ऑफ हार्शेस्ट पेनल्टीज कोई आसान पनिशमेंट भी नहीं मुश्किल पनिशमेंट्स दी जाएंगी इसलिए इनकी हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट अंडर द थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ लेकिन अगर ह्यूमन की लाइफ को थ्रेट हो जाएगा तो उस केस पे इसको मारा जा सकता है या कोई इस तरह की डिजीज हो जाए कि जो ख़तरनाक है तो मारा जा सकता है लेकिन अदरवाइज़ इनकी हंटिंग जो है वो प्रोहिबिटिड है अब देखिए उसके बाद ये बहुत ही अलग तरह के मामल्स हैं नेटिव कहाँ पे यूजुअली पाए जाएंगे जो भी आपका ये सदर्न पैनन्सुला वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया मैंने आपको बताया और उसके साथ साथ श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में ये पाए जाते हैं टिल आपका पलानी हिल्स जहाँ पे भी थिक वेजिटेशन है उस एरिया में और इसी एरिया को यहाँ पे पूरा कन्वर्ट करने की बात की जा रही है अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया इंसेक्टिवरस हैं इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं अगर फार्मर्स फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो इंसेक्ट्स तो मरते जाएंगे इनके खाने में प्रॉब्लम आएगी राइट क्योंकि इंसेक्ट्स पे ये फीड करते हैं इंसेक्ट्स ही नहीं होंगे तो ये क्या खाएंगे इसलिए इस एरिया के आसपास के जितने फार्म, फार्मर्स हैं किसान हैं उनको कहा जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको एडॉप्ट कीजिए एग्रीकल्चर के लिए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम कीजिए अब इनकी पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज होती है बिकॉज ये मीडियम टू हाई टेम्परेचर में रहते हैं हिल पे एलिवेशन कितना है बारह सौ मीटर का सी लेवल से करूर तिरुचि दि, यह है आपका दिंदी गुल डिस्ट्रिक्ट जिस एरिया में है बॉर्डरिंग इसके ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो ये एक रीज़न भी है इसकी अच्छी ग्रोथ का अब जो रेंजर्स हैं इस एरिया के वो कहते हैं कि देर इज़ नो अदर प्लेस इन द स्टेट दैट हैज़ सच लॉर्ज कॉग्रिगेशन ऑफ सिलेंडर लॉरिस स्टेट में कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इतने ज़्यादा सिलेंडर लॉरिस जो हैं वो पाए जाएँ इसलिए भी ये प्रपोजल एनिमल के हैबिटेट को बचाने के लिए दिया गया है और इस एरिया को अगर सेंचुरी में कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पर टूरिज़म भी इंक्रीज होगा इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे इस एरिया की तरफ और इसलिए ये सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए गए हैं अगर इनकी पॉपुलेशन की थ्रेट की बात की जाए किस चीज़ से इनको थ्रेट है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट तो पोचिंग से अगर इनकी हंटिंग होगी तो स्पीशीज तमिलनाडु में कम होता जाएगा इनके लिए कई बार इनको मारा जाता है कि इनमें मेडिसिनल पावर्स हैं कुछ लोग जो अंधविश्वास करते हैं वो सोचते हैं इनकी मैजिकल पावर्स हैं ओके okay? तो इसकी वजह से भी इनका पॉपुलेशन कम होता है इनकी स्मगलिंग इलीगल स्मगलिंग होती है एक्जॉटिक पेट ट्रेड भी होती है कई लोग इनको घर पे एज पेट भी रखना चाहते हैं और कई बार लाइव वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी वाली वायर्स होती हैं ये उनको पकड़ लेते हैं रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं तो इस तरह के अलग अलग थ्रेट्स uh, हैं इनकी लाइफ को अब यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑल दिलेंडर लॉरस फॉर एज अलोन दे स्लीप इन ग्रुप्स ऑफ टू टू फोर अदरवाइज यूजली अकेले रहते हैं अकेले घूमते हैं लेकिन सोते ये ग्रुप्स में हैं ये एक स्टेटमेंट है स्पेंड द डे स्लीपिंग इन द टाइट बॉल अप अ ट्री एंड बिकम एक्टिव इन द इवनिंग तो इवनिंग में ये एक्टिव होते हैं दिन को ये एज टाइट बॉल सोए रहते हैं द स्लेंडर लॉरेस इन्हैबिट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्रब फॉरेस्ट सेमी जैसे फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स तो बताइए कौन सा क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाई हैं इस लेक्चर में पढ़ाई हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आंसर आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच